आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। जालौन के ओरखी गांव में एक अजीब सा बंदर नुमा जानवर दिखा जिसने ग्रामीणों को खदेड़ कर रख दिया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर बड़ी मुश्किल से इस अजीबोगरीब जानवर को पकड़ा। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उक्त जानवर हनी ब्रैगर बिच्छू है जो कि दक्षिण पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। यह जानवर मांसाहारी और खूंखार व लड़ाकू स्वभाव का होता है, इसलिए अन्य जानवर इससे दूर ही रहते हैं। फिलहाल वन रक्षक अजीत कुमार और परशुराम यादव उक्त जानवर को बोरे में बंद कर वन विभाग के कार्यालय ले गए हैं। सर, ये जो सूचना मिली थी ग्राम ओरखी में कि कबर बिज्जू आया, तो क्या मामला था ये? जी, जैसे ही हमको सूचना मिली कि एक बिज्जू पकड़ा गया, तो हम लोग मीटिंग में थे, तो मीटिंग से साफ का ऑर्डर पाके हम लोग यहाँ गांव में तुरंत चले आए। तो उसकी क्या लंबाई होगी, क्या वजन होगा कबर बिज्जू का? वजन उसका 5 किलो वजन होगा, 5-6 किलो के करीब है। और इसको हम लोग 2.5 फट और इसको हम लोग जंगल में छुड़वाएंगे और उसकी पहले चिकित्सा करवा के देख डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद सही है कि नहीं उसकी तबीयत, उसके बाद उसको छोड़ेंगे जंगल में। कहाँ के रहने वाले? क्या कैसे है यहाँ पर ये कबर बिज्जू आया था? कबर बिज्जू ये रात में हम यहाँ पे बैठे थे 4-5 लोग जी। सब लोग हमने सोचा कि बिलैया ऊपर चढ़ी है छत पर, तो आवाज समझ आया। जब चार्ज लगा के देखा ये कबर बिज्जू ऊपर गए, तब तक डंडा मारा तब तक ये भाग गया, पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। हम लोगों ने सबने रात में वहाँ देखा तो वहाँ से भी भाग गया। फिर इसको कैसे आप लोगों ने पकड़ा? इससे अभी कौआ बोल रहे थे छत पर लैंडर पर, तो इस पर दिखाई दिया लोगों को, तो वहाँ चढ़ के फिर देखा वहाँ से ये इसको पटका नीचे, फिर इसको सब लोगों ने पकड़ा कर बनवाया इसको, फिर बांधा इसको सब लोगों ने। फिर इसके बाद अब वो कहाँ पर है? अब वो वन विभाग की टीम आई, पत्रकार को सूचना दी अनिल कुमार जी को, वहाँ पे वन विभाग की टीम आई, वो वन विभाग टीम देखा।